हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास स्मॉल वर्ल्ड। ओके, आज है सैटरडे एंड मॉर्निंग के कुछ 7 बज रहे हैं। मैंने अभी कबूतरों को मैं डेली दाना देती हूँ। मेरे रूम दूसरा जो रूम है वहाँ की विंडो के नीचे से स्लैब है, तो उस पर मैं उनको राइस डालती हूँ, तो वो लोग भी वेट करते रहते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर डेली हमें कुछ मिलना है, सो बस उन्हें मैं दाना देती हूँ। ये लोग इतने सारे कबूतर यहाँ खाने के लिए आते हैं। आधीरा भी कई बार बहुत इंजॉय करती है यहाँ से। ओके, सो जैसा कि अभी नवरात्रि चल रही है, अभी तो आधीरा के स्कूल जाने के बाद मैं सबसे पहले नहाकर पूजा कर लेती हूँ, देन मैं सारे काम करती हूँ। तो अदर डेज में मैं सारे काम निपटा करके उसके बाद मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। मेरे लिविंग रूम के जस्ट साइड में एक ये पूजा रूम के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा मंदिर है। ये मैंने ऐसे कर्टन लगा दिया है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा है। तो मैंने ऐसे बैक साइड पर मैंने वॉलपेपर लगाया है, थोड़ा उसमें एयर आ गई तो फिनिशिंग से लग नहीं पाया। मेरे फास्ट चल रहे हैं, तो पूजा के बाद मैं सुबह की पहली चाय लेती हूँ। हरीश और मैं बैठ के चाय पी रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं ऐसी। के बाद हम लोग को डीमार्ट जाना है, ग्रॉसरी लेकर के आना है। तो अधीरा स्कूल गई हुई है क्योंकि वो रहती है, तो फिर वो भी जाने की ज़िद करती है। सो भी बस फटाफट चाय पीने के बाद हम लोग डीमार्ट के लिए निकलेंगे। ओके, सो डीमार्ट में मैंने एंट्री ले ली है। हम लोग साढ़े नौ या पौने 10 बजे हम लोग डीमार्ट के अंदर हमने एंट्री ले ली थी। कप्स यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कप्स थे यहाँ पर। मैं जब भी डीमार्ट जाती हूँ तो भले मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना हो, पर मैं पूरा डीमार्ट घूमती हूँ, पूरा एक्सप्लोर करती हूँ, बिकॉज कभी कभी ना बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं डीमार्ट में, बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है। दिवाली आ रही है, सो उस डेकोरेशन के लिए यहाँ पर कुछ भी आ गई चीज़ें, ये लालटेन है, इसमें आप ऐसे अंदर कैंडल रख करके उसे जला सकते हो। आप आर्टिफिशियल कैंडल का यूज़ भी कर सकते हो, या जो कैटी लाइट कैंडल्स आते हैं वो। ये लालटेन जो थे वो 199 के थे, एंड ये कुछ कैंडल होल्डर्स हैं। ये इसका रेट है कुछ 79 रुपीज़ का एक है ये। एंड जो फ्लावर वाली माला होती है वो, खैर वो गणपति से ही डिमांड में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लालटेन वगैरह, कैंडल लाइट होल्डर, ये सब दिवाली के टाइम पर आता है। ये डेकोरेटिव दिए आए हुए हैं यहाँ पर, एंड पूजा का सामान भी काफ़ी सारा मिल जाता है यहाँ पर, जैसे कि। और ये भी कुछ हैंगिंग वो है, टी लाइट होल्डर ही है ये, कैंडल लाइट होल्डर, इसमें आप कैंडल जला सकते हो। एंड अभी जो करवा चौथ आने वाला है, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्लेट्स आई हुई हैं, थाली आई हुई है डेकोरेटिव। ये आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं, ये सेल की हेल्प से चलती हैं, उन्हें बटन होता है ऑन ऑफ के लिए। ये जो वो लालटेन वगैरह हैं उसमें आप डाल करके इनको लगा सकते हो, कलर चेंज हो रहा है इनका। ओके, ये एक टेबल रनर है, ब्राइट पिंक कलर का है ये, काफ़ी साइज़ इसका अच्छा है, लंबा है। अभी जैसे कि दिवाली आ रही है, तो आपके घर में इतने मतलब ब्राइट कलर्स होने चाहिए डेकोरेशन के लिए, अच्छा लगता है दिवाली के टाइम पर, अच्छा लगता है। तो आप जितना हो सके ब्राइट कलर्स का यूज़ करिए, एंड अपने घर को एक फेस्टिव लुक दीजिए। हम लोगों को जल्दी डीमार्ट से बाहर भी निकलना है, बिकॉज़ अधीरा को भी स्कूल से लेना है, तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे।
नदीरा को लेते हुए हम लोग घर जाएंगे। डी मार्ट से हम लोग घर वापस आ गए हैं एंड देन मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। ओके, इसमें है बोट के हैंड्स फ्री, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री। ये मुझे किसी ने भेजा है मेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। अभी मुझे इसकी काफ़ी नीड थी, काफ़ी ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच। ये हमारी सोसाइटी में गरबा चल रहा था एंड बच्चे बहुत पीछे पड़े थे जाने के लिए। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड बच्चों को लेकर के गए वहाँ पर। जस्ट हम लोग देखने के लिए गए थे, तो हम लोगों ने भी थोड़ा किया, बच्चों ने भी थोड़ा गरबा किया। ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके थे, उसके वजह से हम लोग हाफ आवर वहाँ पर रुके होंगे। देन हम लोग वापस आ गए थे बिकॉज़ ठंडा वेदर था एंड आदू और उसकी फ्रेंड उर्वी दोनों को ही थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो वो बाहर रहना थोड़ा सा और उनके लिए रिस्की लग रहा था। उनको घर आने के बाद मुझे अधीरा को स्पीच भी रेडी करानी है गांधी जयंती के लिए। उसके स्कूल से मैसेज आया हुआ है कि स्कूल बच्चों को गांधी जयंती पर बच्चों से एक स्पीच या कोई स्लोगन या डांस रेडी करवाना है, स्कूल से मैसेज आया हुआ है ऐसा। सो मैंने उससे स्पीच प्रिपेयर कराने का सोचा है, तो घर जा कर के मैं थोड़ा करा रही हूँ उसको, घर जाके मैं उसका रिहर्सल लूँगी अभी। ये मेरी फ्रेंड है ललिता। Don't speak ever. Bye. Thank you. Thank you. Yeah.